निवेदिका सिंह हूँ। मैं बोकारो स्टील सिटी के गुरु गोविंद इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हूँ। मैंने 2017 में बीटेक कंप्लीट किया और एक माइंड मैंने बहुत पहले ही सेटअप कर लिया था कि पास आउट होने से पहले मुझे एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना जो मुझे सही गाइडलाइन देगी फॉर क्लियरिंग द कंपटीशन। तो मैंने 2017 में दिसंबर में अपने 7th सेमेस्टर के एग्जाम क्लियर करके पटना शिफ्ट होने का प्लान बना लिया था। फिर कमिंग फ्रॉम अ बिलो मिडिल क्लास फैमिली, तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेटर नहीं थी कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते थे। तो फिर इंजीनियर्स एकेडमी के बारे में पता चला और यहाँ पे जब मैं आई, रिसेप्शन में बात करा सर से, मैनेजमेंट टीम सबसे बात करके बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई कि जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना यहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाएगा। और सबसे मेन फैक्टर जो फीस का था, उससे मेरे फादर भी एग्री कर गए कि ठीक है आप यहाँ पे एडमिशन ले लो, आगे तैयारी करो। तो 2017 के जनवरी से मैंने अपना एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एसएससी जेई के लिए स्टार्ट किया था। फिर बीच में मैंने अपना बीटेक कंप्लीट करके, और बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट इनफ अभी फील कर रहे हैं कि बीपीएससी की वैकेंसी आई 2017 में, मैंने फिल करा और फिर मैं अपना बैच चेंज करवा के बीपीएससी में शिफ्ट हो गए। और फिर वहाँ पे जो प्रिपरेशन हुई बहुत बढ़िया से, एक तो मेरा सारे फैकल्टीज ने एसएससी जेई के टाइम पे बहुत बढ़िया बेस बना दिया था जिससे मुझको बहुत फ़ायदा हुआ बीपीएससी में। तो बहुत बढ़िया से मेरा प्री बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया प्री, एंड देन फिर एग्जामिनेशन रिजल्ट आने में थोड़ा डिले हो गया, तो फिर सब चीज़ थोड़े दिन के लिए शट डाउन हो गया। बट फिर जब मेंस का रिजल्ट आया, और ये कोचिंग के साथ साथ फैकल्टीज के लिए भी और हमारे लिए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज था कि मेंस का एग्जामिनेशन सिर्फ 40 डेज के अंदर होना था, बट सारे फैकल्टीज ने इस तरीके से सिलेबस को कॉम्प्रेस करके और ऐसे करके हमें पढ़ाया कि मेंस भी बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया। एंड फिर जब इंटरव्यू का टर्न आया तो इंजीनियर्स एकेडमी से ही था होप कि यहीं तो जाना है और कहीं नहीं, तो फिर ऑफलाइन यही चल रहा था, कोरोना है ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा। बट सर ने भी बहुत हिम्मत करके कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बढ़िया सा प्लानल बैठा के बहुत अच्छे तरीके से मॉक इंटरव्यूज कराया, और बहुत बहुत बारीक बारीक की चीज़ें उन्होंने उसमें बताई जो कि पढ़ाई से अलग हटके हैं, जो कि फ्यूचर में भी काम आने वाली प्रोफेशनल जिस पोस्ट को बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर डिमांड करता है। ऐसे करके फिर इंटरव्यू का, मॉक इंटरव्यूज के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके फाइनली सर लोगों ने बेस्ट ऑफ लक कहा और मैंने इंटरव्यू दिया, एंड फाइनली आई एम हेयर सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो आई रियली रियली थैंक्स टू डायरेक्टर सर, ऑल दी फैकल्टीज ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी, इवन दो ऑल दी स्टाफ मेम्बर्स ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग मी एंड कॉपरेटिंग मी। थैंक यू सो मच।